अरे आइए आइए जनाब, हमें तो आप ही का इंतजार था। ये लीजिए, हम दोनों की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। क्या है? खोल कर देखो, पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्या? अलार्म क्लॉक? हाँ। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही हम तुम्हारी तरह वक्त के पाबंद हैं और ना ही तुम्हारी तरह लेट लतीफ। ए मैडम, इसे जरा गौर से देखिए। हम लोगों ने इस पर सुबह 5:30 बजे का अलार्म सेट करके रखा है। अरे हाँ, क्यों? वो इसलिए ताकि आप सुबह को उठकर वॉक पर जा सकती हैं। क्यों? हम वॉक पर क्यों जाएंगे? क्योंकि तुम बहुत मोटी हो गई हो। क्या क्या क्या? तुम्हें रेगुलरली वॉक पर जाना होगा। राइट, क्योंकि आइंदा मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि कोई सेल्समैन कहे, एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी ड्रेस को ऑल्टर करना होगा क्योंकि आप बहुत ही सेहतमंद हो गई हैं। मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुझे विशाल के लिए बदलना है या नहीं तो ठीक है, हम तीनों सुबह वॉक पर जाएंगे। तीनों? हाँ। तेरा दिमाग चढ़ गया है? रात को उठकर मुझे वॉक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पतला नहीं होना। हाँ, और वैसे भी ना, तुझे अपने पति के लिए बदलना है, हमें नहीं। हमारे हस्बैंड्स तो हमारे लिए बदलते हैं। राइट राइट, हम अकेले वॉक पर नहीं जाएंगे, तुझे जाना होगा। अच्छा, भूल गए हमारी दोस्ती का नियम, हम जो कुछ भी करेंगे साथ में करेंगे। ये तो सरासर ब्लैकमेल है। हाँ है। तो तू चाहती है कि हम इस ब्लैकमेल की कीमत तेरे साथ वॉक पर चलकर चुकाएं? हाँ। कितनी बेशरम है ये। हाँ। अच्छा बच्चों, मान लिया तुझे, लेकिन देखना, मौका मिलने पर ना हम भी इस ब्लैकमेल का बदला जरूर लेकर रहेंगे। अच्छा तो मंजूर? मंजूर मंजूर। ओके गाइस, सी यू एट 5:30। गुड नाइट। सॉरी, हमारी नींद नहीं खुली। मुझे तो पता ही नहीं चला सुबह कब हुई, मैं तो सोते रह गई यार। एक मिनट खुशी, तुम्हें हंसने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ने तुम्हें अलार्म क्लॉक दिया था ना, तुम फिर भी क्यों नहीं उठी? अरे वाह, तुमने अलार्म क्लॉक दिया लेकिन उसका अलार्म बजा ही नहीं। कुसर हमारा नहीं, तुम्हारा है। एक मिनट, बेकार के बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं। साफ साफ बात तो ये है कि सुबह सुबह 5:30 बजे उठना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। I have a great idea. देखो खुशी, रोज सुबह हम दोनों को उठाने के बजाय तुम नीलम चाची का जिम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? कोई तुम्हें पतला कर सके या ना कर सके, लेकिन तुम्हारी सासू माँ है ना, जरूर तुम्हें फिट कर देगी। ना बाबा, हम सुबह 4:30 बजे उठकर वॉक पर जाएंगे लेकिन उनका जिम हम कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। क्यों ना हम 8 बजे जाएं? इम्पॉसिबल। तुषार को सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, उनका नाश्ता खाना मुझे सब देखना होता है ना। अरे मुझे तो खुद ऑफिस जाना होता है, कबीर को भी भेजना होता है, 8 बजे तो नो वे यार। लेकिन अगर तुम चाहो ना, हम लोग शाम को वॉक के लिए जा सकते हैं। डन। लेकिन आप बात को समझने की कोशिश कीजिए बहन जी, दीपिका हमारी बड़ी बेटी है, हम बरसों से उसकी शादी की आस लगाए बैठे हैं, अब जब वक्त आया है तो बिना धूमधाम के शादी तो नहीं कर सकते ना। मैं कहां बिना धूमधाम के शादी करने को कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सगाई मेहंदी वगैरह छोड़कर सीधे शादी की तैयारियां करते हैं। आपके जो भी अरमान है शादी के दिन पूरे कर सकते हैं आप। भाई साहब, समधी होने के नाते हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। भाभी, अब आप ही समझाइए ना राजन को। राजन, शादी दिलों का रिश्ता होता है, अगर ये सगाई और मेहंदी की रस्म नहीं होगी तो रिश्ता अधूरा थोड़ी रह जाएगा, बल्कि उतना ही अटूट रहेगा जितना इन फंक्शंस के साथ है। हाँ, तरुण और मान साहब को थोड़ी सहूलियत जरूर हो जाएगी। और राजन साहब, हमें ही कहाँ पता था कि तरुण को इतनी जल्दी कनाडा का वीजा मिल जाएगा और अचानक ही उसके जाने का प्रोग्राम बन जाएगा।
मैं समझता हूँ मान साहब, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में अगर शादी हो गई तो हजार किस्म के सवाल उठाएंगे लोग, तरह तरह की बातें करेंगे। ओह, छोड़ो यार दोस्तों रिश्तेदारों को। राजन, जब मियाँ बीवी राजी है तुम काजी की फिक्र में क्यों पड़े हो भाई? देखिए भाई साहब, ये फैसला हम अकेले नहीं कर सकते, हमें घर के और लोगों और बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। आप हमें कुछ सोचने का वक्त तो दीजिए। मैं समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली में घर के बड़ों से बातें पूछनी पड़ती हैं, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। ठीक है राजन, आपका जवाब मिलते ही हम लोग शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। ओके, फिलहाल हम चलते हैं। ओके? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, माफी चाहता हूँ आपको तकलीफ दी, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, तरुण का कनाडा जाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं फोन करता हूँ। अच्छा। शादी की तारीख तय हो जाने पर हमें हमारे बड़े बेटे को गुड़गांव से बुलाना है। आप आ गए, कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा। चाय के साथ आप कुछ खाएंगे? नहीं। आप कहीं जा रहे हैं? जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? हमें बताइए हमारा कसूर क्या है, आप हम पर बिगड़ क्यों रहे हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो तुमने क्या किया है। क्या किया है हमने? अमित का फोन आया था पार्टी के लिए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि विशाल तब तक आप जा चुके थे। अच्छा, जब मैंने ऑफिस जाके फोन किया तब तुमने क्यों नहीं बताया? आपने इतनी जल्दी में फोन किया कि हमारे दिमाग से उतर गया, और हमने अमित से कहा भी था कि वो आपके मोबाइल पर आपको फोन करे। हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि हम उनका मैसेज आपको ना दें? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं पार्टी में जाऊं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि आप पार्टी में न जाएं? क्योंकि तुम जलती हो। जी जी हाँ, जब से मैंने तुम्हें मना किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाऊंगा, तब से तुम नहीं चाहती कि मैं पार्टी में जाऊं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं पार्टी में जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। आप गलत समझ रहे हैं विशाल। विशाल देखो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन खुशी के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं था। कोई भी जिम्मेदार पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह पेश नहीं आता। आप खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में सिर्फ किताब लेने आई थी, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। बेचारी खुशी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें कितना चाहती है, दिन भर तुम्हें खुश रखने के लिए कोशिश में जुटी रहती है, बदले में तुम उसे क्या देते हो? डांट फटकार? दीदी तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, तुमने आज तक उसे दिया ही क्या है? प्यार के दो लफ्ज भी कभी बोले हैं उससे? तुम तो सिर्फ बरसना जानते हो, और अब जब वो माँ बनने वाली है, क्या सीख दोगे तुम अपने होने वाले बच्चों को? दीदी तुम मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी परेशानियों पे ध्यान दो। बैड मैनर्स, पति से छुप छुप के जासूसी की जा रही है। तो पत्नी क्या करे, जब पति पत्नी से चीजें छुपाने लगता है ना, तो बेचारी पत्नी को ना जासूसी करनी पड़ती है। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, ये पति अपनी पत्नी से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पत्नी को ज्यादा उतावली हो रही है। अच्छा बाबा ठीक है, अब बताओ ना ये एक्सपेंशन प्लान क्या है? एक्सपेंशन प्लान संजू, एक्सपेंशन प्लान ये है कि मैं कबीर गिल अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ, बढ़ाने की सोच रहा हूँ। इट्स लाइक दिस संजू, मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। रियली? प्रोडक्शन? और इसी की वजह से मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ज्यादा लेबर हायर करना होगा, ज्यादा मशीन्स लगानी होगी, बहुत कुछ करना होगा। लेकिन कबीर पैसा? ऑब्वियसली संजू मुझे फंड्स की जरूरत पड़ेगी। कबीर डोंट यू थिंक This is very dicey. सब कुछ एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर कर रहा है, अगर तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो? देखो संजू, कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता,
क्योंकि जिस कंपनी में मेरे कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है वहां का परचेज एग्जीक्यूटिव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। संजू तुम ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल चुका है। ओके कबीर, आई थिंक यू आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। देखो जल्दी में उठाए गए कदम से हमेशा पछतावा ही मिलता है। और कबीर, तुम्हारे एस्टिमेट्स के मुताबिक इस एक्सपेंशन प्लान के लिए तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों की जरूरत है। You're right, madam. कबीर, डोंट यू थिंक कि तुम कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मेरी नजरों में यही वक्त बिल्कुल सही है और मेरा ये मानना है कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे ये मौका अब मिला है और मैं इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। और वैसे भी संजू, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे काम आया था। आज जब मुझे तुम्हारे प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है तो तुम कबीर, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दे सकती हूं कबीर। देखो कबीर, मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त इस एक्सपेंशन प्लान पर अमल नहीं करना चाहिए। ठीक है देवी जी, ठीक है, आपकी सलाह, आपका एडवाइस, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर क्या आप ऐन फैसला मुझ पर छोड़ देंगी? कैसा है? बहुत खूबसूरत है, कितना बारीक काम किया है ना। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था। एक्चुअली ना, जेवरों के बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आई है उसका भी क्रेडिट तुम्हें जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये आप किस खुशी में लाए हैं और किसके लिए लाए? वो दी, तुम्हारा वो पिंक वाला दुपट्टा चाहिए था। एक मिनट दीदी। क्या है? ये एक भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए उनकी शादी पे तोहफा, खोल कर देखें। बहुत खूबसूरत है। अरे अभी कहाँ, ये खूबसूरत तब लगेगा जब आप इसे पहनेंगी। It's beautiful. लेकिन तुषार, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैंने पैसे जमा कर रखे थे ना। क्यों तुषार, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और वो सारी तुम मामा के हाथ में दे देते हो, फिर ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से? तुम भी ना दीदी कभी कभी वकीलों की तरह सवाल जवाब शुरू कर देती हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अरे बाबा, मुझे मेरे बतौर मैनेजर की पहली तनख्वाह मिली आज और मैंने जो लोन अप्लाई किया था वो भी सैंक्शन हो गया। तब तो इस पर तुम्हारी बीवी का हाथ है। तुम्हें याद है तुषार, तुमने श्रुति से वादा किया था कि बतौर मैनेजर अपनी पहली तनख्वाह से उसे सोने के झुमके दिलाओगे। माना कि मुझ पर मेरी बीवी का हक है, मगर मेरे भाई होने का फर्ज उससे पहले आता है। दीदी, बरसों मैंने आपके शादी के सपने संजोए हैं, आपकी शादी को लेकर मेरे दिल में कितने अरमान हैं। क्या मुझे मेरे अरमानों को पूरा करने का कोई हक नहीं? नहीं, मैं श्रुति का हक नहीं छीन सकती। दीदी प्लीज, आई एम श्योर श्रुति भी यही चाहती है। बिल्कुल, और अगर आज ही मेरे झुमके लाए होते तो मैं उनसे बहुत झगड़ती। तो इसे अपने भाई का प्यार समझकर स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम दीदी। नहीं, बस ऐसे ही जरा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा पी लीजिए, पानी पी लीजिए।
मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें परेशानी होती है? मैं थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, सर्दी भी लग रही है। बुखार तो नहीं है? बुखार तो नहीं लग रहा। रुकी, चलिए अब आप आराम से सो जाइए, हम एसी बंद कर देते हैं, वरना रात को आपको ठंड लगेगी और सुबह तक बुखार आ जाएगा। लेकिन अगर तुम एसी ऑफ कर दोगी तुम कैसे सोओगी? क्योंकि तुम तो बिना एसी के नहीं सो पाती। अगर आपको बुखार आ गया तो आपको कई दिनों तक तकलीफ सहनी पड़ेगी, हम चंद घंटों तक तकलीफ सह सकते हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर सोइए। चलिए, गुड नाइट। निहारी का दीदी ठीक ही कहती है, खुशी वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है मेरा, और मैंने हमेशा उसे दुख पहुंचाया। जितनी जल्दी ये शादी हो जाएगी हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हेलो। हाँ बलवंत जी, मैं राजन बोल रहा हूँ। हाँ राजन बोलो, क्या हाल है? मैंने बाबूजी से बात की तुम्हारी मजबूरी की कि तुम बिना किसी फंक्शन के शादी करवाना चाहते हो। तो क्या कहा बाबूजी ने? बाबूजी मान गए। बाबूजी मान गए? अरे बहुत बहुत मुबारक हो राजन, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो, हमने तो तैयारियां शुरू कर दी है। अरे राजन ये समझो कि हमारे यहाँ भी शुरुआत हो गई। ओके। अच्छा अच्छा, लीजिए भाई साहब, आप लोग जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच बलवंत, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, अगर तुम ना होते तो ये रिश्ता कभी नहीं हो पाता। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, रिश्ते तो सब संजोग की बात है। नहीं बलवंत जी, इस रिश्ते का सहरा आप ही के सर। अगर गिल परिवार को हमारे परिवार पर लगे बदनुमा दाग की भनक भी पड़ जाती ना तो रिश्ता कभी नहीं होता, और आप ही की वजह से उन्होंने पूछताछ ज्यादा नहीं की। अरे भाभी अब ये सब बातें आप छोड़िए और सिर्फ शादी की तैयारियां करिए। बलून बिल्कुल ठीक कह रहा है, इससे पहले कि उन्हें इस बात का पता चले ये शादी हो जानी चाहिए, हो सकता है ऐन वक्त वो शादी कैंसिल भी कर दे। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अगर इस बात का पता शादी के बाद चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते।